जादुई गुफा अर्जुन। रामपुर नामक गांव में गीता और रानी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। गीता बहुत अच्छी और ईमानदार थी। रानी बहुत घमंडी और लालची स्वभाव की थी, परंतु फिर भी दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी। वो दोनों साथ में ही स्कूल जाती। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम में घूमने जाती थी। फिर एक दिन गीता रानी से कहती है, रानी तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है वहाँ पर एक गुफा है और वहाँ पर एक जिन रहता है, और मैंने ये भी सुना है कि उस गुफा में जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आज हम भी उस गुफा में चलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चलते हैं। गीता और रानी उस गुफा के ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफा नजर आते हैं। देखा रानी, यहाँ पर दो गुफा हैं। हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता कि तभी वहाँ पर अचानक से जिन प्रकट हो जाता है। मेरी जादुई गुफा में तुम दोनों का स्वागत है। जैसे कि तुम देख सकती हो यहाँ पर दो गुफा है, एक अच्छाई का और दूसरा बुराई का। अच्छाई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें एक वृद्ध महिला मिलेगी जिसके पैर में चोट लगी है और तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। अगर तुम बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा। इतना कहकर जिन वहाँ से गायब हो जाता है। रानी हमें अच्छाई के रास्ते चलना चाहिए। यहाँ पर एक बूढ़ी महिला है जिसके पैर पर चोट लगी है, शायद उसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो। हम उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हाँ तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। तुमने सुना नहीं वो जिन क्या बोल रहा था कि बुराई गुफा में खजाना मिलेगा जो हमें माला माल कर देगा। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो बुराई की गुफा में। नहीं रानी, मैंने बचपन से सीखा है कि हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। बुराई हमारा साथ नहीं देती, पर अच्छाई हमारा हमेशा साथ देती है। तुम जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो चली अपनी बुराई की गुफा में। रानी बुराई की गुफा में चली जाती है और गीता अच्छाई की गुफा में। गीता को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है, जहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल और तरह तरह के फल लगे थे। गीता फल तोड़कर खाने लगती है। क्या स्वादिष्ट फल है। तभी गीता को वहाँ एक झोपड़ी नजर आती है। गीता उस झोपड़ी के पास जाती है। अम्मा देखो मैं आ गई आपकी देखभाल करने, अब आपकी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। गीता सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल करने लगती है। इधर रानी खजाने की लालच में आगे बढ़ती जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, रानी को बहुत भूख लगती है। उस जिन ने बोला था कि यहाँ पर खजाना मिलेगा, पर मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है और भूख से मेरी जान निकल रही है। रानी को चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया मुझे खजाना। गीता तो पागल थी जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ आती तो उसे भी खजाना मिलता, पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना मेरा है। रानी जैसे ही खजाने की ओर हाथ बढ़ाती है खजाना गायब हो जाता है। रानी जैसे ही हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वहाँ पर जिन प्रकट हो जाता है। लालची लड़की, तू खजाने की लालच में बुराई की गुफा में आई है और तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। परंतु जिन उसे बिल्ली बना देता है। जो भी बुराई की गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। दूसरी तरफ गीता सच्चे मन से अम्मा की देखभाल में लगी थी। अम्मा ये लो, ये दवा पी लो, इससे आप जल्दी ठीक हो जाओगी। बेटी तुम बहुत अच्छी और नेक दिल की हो। इतना बोलकर बूढ़ी औरत जिन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। गीता मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उस परीक्षा में सफल हुई और मैं बहुत प्रसन्न हुआ।
इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर जिन गीता को बहुत सारा खजाना देता है। गीता जिन को धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर रानी बिल्ली के रूप में आ जाती है। मुझे माफ कर दो गीता, तुम सही बोल रही थी। खजाने की लालच ने मुझे अंधा बना दिया था, जिस कारण मैं बुराई की गुफा में चली गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना। तुम्हें खजाना लेने की इच्छा न होने पर भी खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ चलती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। इतना कहते ही जिन वहाँ पर आ जाता है और गीता से कहता है, तुम्हारी सारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। और इतना कहते ही जिन रानी को बिल्ली से इंसान बना देता है। दोनों बहनें जिन को धन्यवाद देती है और वादा करती है अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बच्चों, सच्चाई और ईमानदारी में बहुत ताकत होती है, इसलिए हमें सच्चाई का रास्ता ही चुनना चाहिए।